उत्तर प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार की कहानी बदस्तूर जारी है। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ महिला को सशक्तिकरण अभियान के लिए हर संभव प्रयास करते हैं, लेकिन उन्हीं आदेशों की धज्जियां किस तरीके से उन्हीं के प्रतिनिधि प्रधान और कहीं सभासद तो कहीं विधायक, कहीं सांसद तो कहीं मंत्री उड़ाते हुए दिखते हैं। नमस्कार, मैं अमित कश्यप और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं एक महिला की आप बीती किस तरीके से उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर के एक गांव में उसके साथ में प्रधान और अन्य लोगों कर रहे हैं अभद्रता और उसको कर दिया घर से बेघर। और जो ये आप हमारे साथ में महिला देख रहे हैं, ये सावित्री है जहां पर उसके चार बच्चे हैं और वह लगातार किस तरीके से गुहार लगा रही है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, विधायक, सांसद और पुलिस प्रशासन से। आखिरकार उसकी कोई सुनवाई क्यों नहीं हो रही है, जानते सुनते उसकी आप बीती क्या है। क्या नाम है तुम्हारा? सावित्री। तो सावित्री, पति का नाम बताओ हमारे दर्शकों को। सुखपाल। सुखपाल। अच्छा, तो सावित्री तुम्हारी शादी कब हुई थी? शादी हो गई 18 साल में। अच्छा, 18 साल हो गए। तो हिंदू रीति रिवाज से शादी हुई थी कि अपनी मर्जी से की थी? नहीं, सबके सलाह, जिसे मर्जी से नहीं है, घर वालों की सबकी सलाह से हुई थी। अच्छा, तो दहेज अहेज घर वालों ने दिया था तुम्हारे ससुराल वालों? हाँ, इनने मांग करी थी 80-90 हजार रुपए, इनने नंगदाज लिया था। अच्छा, तो उसके बाद जब तुम यानी कि अपने ससुराल पहुंची तो क्या यानी कि तुम्हारे साथ में क्या शुरू हुआ और क्या पति क्या था, क्या मामला था पूरा बताओ, जिसके लिए तुम दर बदर की ठोकरें खा रही हो। जी, घर जी खर्चा नहीं करना। गाँव तुम्हारा क्या है बताओ? बिहारीपुर मुड़िया। अच्छा, तो बिहारीपुर मुड़िया में तुम्हारा पति तुम्हारे साथ में 18 सालों से रह रहा था और जैसा कि हमने सभी को बताया तुम्हारे चार बच्चे भी हैं, तो तुम्हारे साथ में अब क्या हो रहा है? अब जी जमीन की खातर मुझे रहने नहीं देते घर पे, जमीन जाके मारे इसे जमीन नहीं मिले, अपने जो घर वाले हैं दोरा जेठा जी, अपने तो अपने लिए लेने के लिए जमीन नहीं देना चाहते। अच्छा। हाँ, अपने नाम कराने बोले बेजकार, इसके इसे तू रखेगा तो तुझे जमीन नहीं मिलेगी, बच्चे लेंगे इसे लेंगे। तो ये जब से तुम्हारी शादी हुई थी तभी से ऐसा हो रहा है कि अभी हुआ है? जो अभी हुआ, जमीन के चक्कर में हो गई, 5-6 साल हैं। अच्छा, 5-6 साल से हो रहा है। हाँ। तो अभी तुम जैसे कि अपने घर पर हो तो क्या यानी कि पूरा वो हो रहा है कि वहाँ से तुम्हें क्यों आना पड़ा अपने ससुराल से? क्यों आना पड़ा? आने पड़े, मेरे सास ससुर खत्म हो गए तो इसने हमें रहने नहीं दिया, घर वालों ने हमारे। हाँ। बोले देखो वे खत्म हो गए तो अब जमीन तेरे नाम आ गई, इसे रहने मत, तू आराम से बेच खा, देखो इसे कुछ मत देते। हम बच्चों को लेके घर पे रहते थे, खर्चा पानी नहीं दे रहा था, बच्चों को दवाई गोलू नहीं दे रहा था, कहते थे तो लड़ाई लगता था। मेहनत मजूरी कर रहे थे तो घर पे खाली बदनामी कर रहे थे, बोल मेहनत मजूरी करने जा रही, धान गाड़ने जा रही, तू आए देखो गलत है, जो है वो है, तो वो हूँ भी हमें मेहनत मजूरी करके नहीं खाने दे रहा, तुम अपने मायके में रह रहे। अच्छा, तो इसकी शिकायत तुमने अपने गांव के प्रधान से की? गांव प्रधान से कही थी, गांव प्रधान पहले कही थी, बोले इसे नहीं ले, बोले हाँ हम लेके जाएंगे और रखेंगे, रखे अब लेके गया था, रखा इसने तो फिर बाद में खर्चा पानी नहीं दिया। अच्छा, गांव वाले प्रधान। तो प्रधान सुनता है? हाँ, गांव के हिंगन वाले कहते हैं मगर वो गांव का प्रधान नहीं सुनता है। उस गांव के प्रधान का क्या नाम है? विनोद। विनोद। हाँ। तो ये बताओ कि वो यानी कि क्या प्रधान भी उन्हीं लोगों से मिला हुआ, मारपीट वो तुम्हारे साथ में करता है? वो प्रधान उन्हीं लोगों से मिला हुआ है, अब जो नया प्रधान हो गया वो उन्हीं लोगों से मिला, बोले तुम मेरे कहें पर आओ, तुम्हारे घर वाले बच्चे कतई नहीं आ पाएंगे और देखो सब मैं करेंगे, जो कुछ करेंगे, जितना पैसा लगेगा हम लगाएंगे, बच्चे तुम्हारे कभी नहीं आए। अच्छा, तो ये बताओ सावित्री कि आखिरकार जो बिहारीपुर मुड़िया तुम्हारा गांव है, वहां पर जब अभी तुम्हारे साथ में जो घटना घटी थी जिसकी तुम शिकायत लेकर के थाने गई, आला अधिकारियों के पास गई, तो क्या हुआ, कोई कार्रवाई हुई उनके पर? नहीं, कोई कार्रवाई। तो किन लोगों ने तुम्हें मारा था? नन्ने बाबा जी ने और देखो शेरून हमारे देवर ने, जेठ ने, और देखो वो एक प्रधान है, प्रधान ने संग में पिटवाया, प्रधान खड़ा रहा है। अच्छा। हाँ, इन लोगों ने, घर वालों ने मारा था, दूरा जेठन ने सब। उसके बाद तुम्हारे बच्चे भी साथ में थे कि तुम अकेले थी? हम अकेले थे। अच्छा, वहाँ पर अकेले थी? हाँ, अकेले। तो अब तुम क्या चाहती हो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से और पुलिस प्रशासन से, क्या चाहती है? हम चाहते हैं हम अपने घर पे रहें, हमारे बच्चों के लिए खर्चा पानी दे, जो घर पे रहने दे हमें, और जब जो हमें नहीं खर्चा पानी दे तो हमें अपने ज़मीन में कन्ने खाने दे, मगर वो रहने ही नहीं दे रहा, नहीं कन्ने खाने दे रहा, बोले हम तुझे रखेंगे नहीं।
अच्छा, तुम अपने पति से तलाक लेना चाहती हो? नहीं नहीं। अच्छा, तो सबसे बड़ा जो बच्चा है तुम्हारा, कितनी उम्र है उसकी? 15 साल। 15 साल है। तो अब यही चाहती हो कि पुलिस जो है तुम्हें न्याय दे और तुम अपने पति के साथ में रह सको? हाँ, हम जो है चाहते हैं हम अपने घर पति के साथ में रहें और हमारे बच्चों को खवाए पिया, खर्चा पानी दे, और देखो हम कुछ नहीं, अब आराम से चैन से हमें रहने दे, लड़ाई दिंगा नहीं, लड़ाई देरा जेठा मेरे मारपीट नहीं करेंगे। अच्छा, तो एक बार गांव फिर से बताओ क्या है? मुड़िया बिहारीपुर। ये है सावित्री मुड़ियापुर बिहारीगढ़ से, जहाँ पर ये गांव में अपने हंसी खुशी अपना जीवन व्यतीत कर रही थी। सास ससुर की मृत्यु के बाद पति किसी और के बहकावे में आ जाता है और यह लगातार अपने गांव के प्रधान विनोद से गुहार भी लगाती हैं, जहां गांव का प्रधान जो विनोद है वह किस तरीके से सभी के साथ मिलकर इनकी खड़े होकर के पिटाई कराता है। और ये मार खाने के बाद जब पहुंचती हैं थाना तिलहर में, तो वहां पर जब अपनी आवाज़ उठाती हैं और कहती हैं पुलिस से मुझे न्याय दो, तो वहां से भी इनको न्याय नहीं मिलता है। फिर ये SSP शाहजहाँपुर के पास जाती हैं और अन्य आला अधिकारियों के पास, लेकिन इनको किसी भी प्रकार का कोई भी न्याय नहीं मिलता है। 4-5-6 महीने की लगातार मशक्कत के बाद अब ये उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री और आला अधिकारियों से गुहार लगा रही हैं कि आखिरकार जो ये हैं और इनका जो परिवार है, जो बच्चे हैं, वे 15-16 साल के हो चुके हैं, अब ये जाएंगी तो कहाँ जाएंगी, और अगर जो है इनको न्याय नहीं मिलेगा तो ये दर बदर की ठोकरें ऐसे ही खाती रहेंगे। एक वृद्ध माँ भी है इनकी, और उनकी उम्र लगभग आपको बता दें 70 वर्ष की हो चुकी है। वह किसी न किसी तरीके से जो हिंदू रीति रिवाज से अपनी बेटी की जिन्होंने शादी की थी, वह भी यही चाहती है कि बेटी जो है अपने ससुराल में खुशी से रहे, लेकिन जो वहाँ के अराजक तत्व हैं वे किस तरीके से इस लड़की के घर में आग लगा रहे हैं, ये एक शोचनीय विषय है, जहाँ पर ये उत्तर प्रदेश पुलिस से यही चाहती हैं कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई होकर दबंगों के ऊपर इन्हें अपने अधिकार के सहित अपने ससुराल में रहने दिया जाए। आखिरकार तभी नारी सशक्तिकरण अभियान सफल होगा जब किसी महिला की ताकत उसे बताई जाएगी और वह अपने लिए खुद लड़ सकेगी। आप देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, सहयोगी प्रदीप के साथ मैं अमित कश्यप शाहजहाँपुर से इजाज़त चाहता हूँ, नमस्कार। और इसी तरीके से अगर आपको किसी भी तरह से आपकी भी कोई समस्या है तो हंगामा टाइम्स न्यूज़ जैसे जन जन तक के पहुंच रहा है, और ये सभी जो दर्शक हैं हमारे साथ में जो चल रहे हैं, आप देख रहे हैं बच्चे भी लोकप्रिय तरीके से हमारे चैनल को हंगामा टाइम्स न्यूज़ को यूट्यूब पर, फेसबुक पर आसानी से देख सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके ये जो गरीबों के लिए हम मुहिम चला रहे हैं कि उन्हें न्याय मिले, उससे जुड़ सकते हैं। आप भी देखते रहिए हंगामा टाइम्स न्यूज़, और अगर ये वीडियो आप यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें, तो वहीं आप किसी भी कोने पर इन सभी चीज़ों को अगर देख रहे हैं, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो हमें एक बार बताना ज़रूर।